अस्सलाम वालेकुम। CS402 GDB चेंज हो गया है, काइंडली पूरी वीडियो देख लें। आपको जो अनाउंसमेंट में या जो यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है वो सारी ही आप उन्होंने चेंज कर दिया। GDB आपके LMS में चेंज हो गया। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यही सबसे पहला और सबसे सही सोल्यूशन है। और जो भी GDB अगर आपने पोस्ट कर दिया तो बहुत ही बुरी बात है। तो GDB चेंज कर दिया उन्होंने LMS में, तो काइंडली ये GDB, इस GDB को फॉलो करें और इसका आंसर देख लें। इसमें उसने कहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ मशीन आर अवेलेबल, यू हैव टू एक्सप्लेन विच FSM वर्क बेटर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फास्टर रिएक्शन टू इनपुट, ये खास वर्ड है, एंड किस FSM यानी फाइनाइट सेट ऑफ मशीन का डिज़ाइन करना आसान होता है, बट यू हैव टू मेंशन अदर पॉइंट्स ऑफ दीज स्टेट मशीन आल्सो। तो कौन सी ऐसी है, तो उनके और पॉइंट्स भी बताने हैं, लेकिन आपने जो चूज़ करनी है फास्टर रिएक्शन ऑफ इनपुट। अगर तो दोनों एक ही मशीन में फास्टर रिएक्शन भी है और उसका डिज़ाइन करना भी ईजी है, तो आपने एक मशीन के 5 पॉइंट्स लिखने हैं तो आपका GDB हो जाएगा। लेकिन अगर दो हैं तो मतलब एक में फास्टर रिएक्शन है और एक को डिज़ाइन करना ईजी है, तो फिर दोनों मशीन के 5 5 पॉइंट लिखने हैं। ये बात उस साहिब ने नीचे लिखी हुई है, तो वो मैं आपको पहले दिखा लाऊँ कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर मैं आता हूँ। फर्दर मोर यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन मैक्सिमम 5 पॉइंट इफ वन फाइनाइट स्टेट मशीन इज यूज फॉर बोथ सिचुएशन, आई होप सो, एंड 10 पॉइंट्स टोटल इफ डिफरेंट फाइनाइट स्टेट ऑफ मशीन आर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड डिजाइन, आई होप सो। आपको अब पॉइंट क्लियर हो गया हो, तो मैं आपको दिखा लूँ कि जो मेले मशीन है, फाइनाइट सेट ऑफ मशीन में टोरिंग मशीन भी होती है, PDA भी है, मैरे मशीन भी है, मोले मशीन भी है, मतलब बहुत सारी हैं। लेकिन जो उसने एक ब्रैकेट में बात की है स्पीड के लिहाज से, फास्टर रिएक्शन टू इनपुट, तो वो मैले मशीन होती है, और डिज़ाइन करने के लिए मोले मशीन होती है, मोरे मशीन होती है। तो मैले मशीन के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैले मशीन जहाँ से मिली है और मैंने क्यों जवाब लिखा, ये आप सर्च कर लें गूगल पर जाके, मैले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, वाई, इसका भी आंसर ढूंढ लें। वो वैसे सामने लिखा हुआ है, दे जनरली रिएक्ट ऑन द सेम क्लॉक साइकिल। तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं, मैंने 10 पॉइंट दिए हैं आपको, मैले मशीन चेंज इट्स, तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जी मैले मशीन इज़ बेस्ट फॉर रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, वाई, बिकॉज इट रिएक्ट ऑन द सेम क्लॉक साइकिल। फाइल मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जवाब आपको बता दिया, ये लिखेंगे। उसके बाद आपने 5 पॉइंट इनमें से कोई भी लिख लें, लेकिन चेंज करना है वर्ड को चेंज करना है, अपने वर्ड में लिखे हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैले मशीन चेंज इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन इट्स करंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। तो मैले मशीन डिपेंड ऑन करंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट, तो इस तरह करके चेंज कर लें। मैले मशीन विल हैव सेम और फ्यूर स्टेट देन मोरे मशीन, हाँ, तो इसको भी कैसे चेंज करेंगे कि मैले मशीन हैव सम इट इज लेसर देन लेसर स्टेट देन मोरे मशीन राउंड अबाउट, आउटपुट इज प्लेस ऑन ट्रांजिशन, तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं, या ट्रांजिशन आर प्लेस्ड इन आउटपुट टेबल, तो इस तरह कर लें। द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन, चेंज भी करना है, जनरली रिक्वायर्ड अ फ्यूर स्टेट फॉर सिंथेसाइज़ेस, रिक्वायर्ड लेस हार्डवेयर टू डिज़ाइन। ये देखें, इसका एक पॉइंट बड़ा अहम है, इसको लाजमी लिखना है आपने, नॉट नेसेसरली ईजी टू डिज़ाइन, मैले मशीन इज़ नॉट ईजी टू डिज़ाइन, दैट्स वाई आई हैव टू चूज अनदर मशीन विच हैव ईजियर टू डिज़ाइन, एंड दिस मशीन इज़ फाइनाइट सेट ऑफ मशीन मोरे मशीन। मोरे मशीन का लास्ट पॉइंट देखें, ईजी टू डिज़ाइन, तो आप खुद भी सर्च कर लें कि विच वन इज ईजियर टू डिज़ाइन, मोरे मशीन और मेले मशीन, तो द पॉइंट गोज टू मोरे मशीन। तो आप मोरे मशीन के 5 पॉइंट आपने लिखने हैं, ये 10 पॉइंट हैं, जनरली इट हैज़ मोर स्टेट देन मेले मशीन, तो पॉइंट वो ही रहने हैं आपने आगे पीछे करने, तो जनरली रिक्वायर्ड मोर स्टेट्स, जनरली रिक्वायर्ड लेस, मोर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन, उधर लेसर हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन। तो उसके बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन पॉइंट अगर आपने लिखने हैं, नज़र आ रहा है वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन
स्टेट स्टेट के लिहाज से पहले मशीन क्या है, आउटपुट इज प्लेस ऑन अ ट्रांजेक्शन, आउटपुट प्लेस ऑन ट्रांजेक्शन, दिस वन इज द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट फंक्शन. तो ये ज़रूरी था, द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन, आउटपुट नहीं इनपुट पे चलते हैं तो वो देखते हैं दोबारा. रिएक्शन टू इनपुट, मैले मशीन जो है रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, दे जनरली रिएक्ट सेम क्लॉक. मोर लॉजिक इज रिक्वायर्ड टू डीकोड द आउटपुट रिजल्टिंग इन मोर सर्किट डिलेज, द जनरली रिएक्ट वन क्लॉक साइकिल लेटर. तो ये मोरे में ये पंगा है रिएक्शन ऑन इनपुट में. आउटपुट एंड स्टेट, ये ए सिंक्रोनस बेस है, ये सिंक्रोनस बेस है. स्टेट जो है वो कितनी चाहिए, तो उसके बाद ये देखें मैले मशीन नॉट नेसेसरी इजी टू डिज़ाइन, दिस वन इज इजी टू डिज़ाइन. तो आप टेबल बना लें या पांच पांच पॉइंट करके लिख लें. तो जैसे उन्होंने बोला है वैसे उन्होंने पांच पांच अलग अलग पॉइंट कहे हैं. जैसे मेरा पहला स्टाइल था कि वी नीड टू मशीन्स, मोरे एंड मैले. मैले इज बेस्ट टू रिएक्ट ऑन इनपुट एंड मोरे मशीन इज बेस्ट फॉर इजी टू डिज़ाइन. दैट्स वाई आई हैव टू चूज टू मशीन्स एंड देर आर द फाइव पॉइंट्स ऑफ मोरे मशीन एंड मैले मशीन. तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं तो आपका GDB सही हो जाएगा. काइंडली जो दूसरी वीडियोस वाले हैं उनको भी बता दें कि चेंज हो गया, ताकि वो वीडियो या तो प्राइवेट कर दें या फिर जो भी उन्होंने करना है. तो काइंडली क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर पोस्ट करिएगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने पोस्ट कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होना. तो मैं सैडली जिन लोगों ने पोस्ट कर दिए तो मुझे उनके लिए दुख का इजहार है, क्योंकि पढ़े बगैर ही आप पोस्ट कर देते हैं. तो मैंने वैसे टीचर को भी मैसेज किया कि सर ये क्या है, वीडियो का सिस्टम हैक हो गया है कि कल CS201 में GDB कोई और आए बैठे हैं और आज ये चेंज हो गया, परसों CS302 की असाइनमेंट चेंज हुई पड़ी है. तो चेंजेस हुई जा रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही, अनाउंसमेंट में कुछ है और ऊपर से फाइनल भी हैं. तो मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ. मैंने देखा और मैं हैरान रह गया हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने अनाउंसमेंट देखी थी तो मैं बनाना था, तो अचानक से ये सारा चेंज हुआ पड़ा. तो मुझे इसलिए अब अर्जेंसी में बनाना पड़ा और ये मशीन मुझे सूटेबल लगी है इसके आंसर्स के लिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.